दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक शानदार खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 220 मैदान पर लड़ाई के बाद नवीन हुलक ने दिया विराट कोहली को लेकर तीखा बयान, तो विराट ने भी किया पलटवार, जिसको सुनकर महेंद्र सिंह धोनी भी दंग रह गए। तो क्या कुछ कहा नवीन हक ने विराट को लेकर और विराट ने कैसे किया पलटवार, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन था, कोहली या गंभीर, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 में लखनऊ और बेंगलोर के बीच मुकाबले में खिलाड़ियों के बीच जमकर कहासुनी देखने को मिली। कोहली गंभीर और नवीन हुलक के बीच जमकर विवाद हुआ और मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों को 20 बचाव में आना पड़ा और इसकी शुरुआत अफगान के तेज गेंदबाज नवीन के साथ हुई थी। जब नवीन बल्लेबाजी करने को गए तब मोहम्मद सिराज और विराट कोहली के साथ उनका विवाद हुआ और अमित मिश्रा ने 20 बचाव करने की कोशिश भी की, मगर विराट कोहली कहां रुकने वाले थे और लगातार वो नवीन को कुछ ना कुछ सुनाते रहे। मैच खत्म होने के बाद जब कोहली और नवीन एक दूसरे के सामने आए तब पहले तो दोनों ने हाथ मिला लिए थे, फिर वहां भी उनके बीच कुछ कहासुनी हो गई। फिर नवीन ने विराट कोहली का हाथ झटक दिया। जब मैच खत्म हुआ तब तो मामला और भी ज्यादा भड़क गया था और बाद में केएल राहुल ने नवीन को बुलाकर मामला शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन नवीन विराट के पास नहीं गए। इसके बाद नवीन ने विराट कोहली को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। तो क्या कुछ कहा नवीन ने, चलो आपको बताते हैं। दोस्तों नवीन ने कहा कि आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं, ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होता है। मैं यहाँ आईपीएल खेलने को आया हूँ, किसी की गालियाँ सुनने को नहीं। अगर कोई मुझसे उलझने की कोशिश करेगा और मुझसे कुछ कहेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर कोई मुझसे कुछ कहेगा और मैं चुप रहकर सब कुछ सुनता रहूँ तो ये कभी नहीं हो सकता। मैं ऐसा ही हूँ और मैं खुद को नहीं बदल सकता। वहीं लड़ाई के बाद विराट कोहली ने पलटवार करते हुए इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई। विराट कोहली ने कहा कि हम जो भी सुनते हैं वो सच नहीं होता, हम जो देखते हैं वो सिर्फ संभावना होती है, ना कि सच। जो करोगे वही मिलेगा, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए या फिर आपको करना ही नहीं चाहिए। वहीं अब विराट कोहली की इस स्टोरी का जवाब नवीन ने भी दिया है। नवीन ने कहा कि तुम जिसके हकदार हो तुम्हें वही मिलता है, ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होता है। आपको लगता है मैं किसी के डराने धमकाने से डर जाऊंगा, तो ये कभी नहीं हो सकता। आप बड़े खिलाड़ियों में आपकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन सिर्फ कल तक। इंसान की इज्जत अपने खुद के हाथों में होती है, जो आपने गवा दी। दोस्तों इसके बाद बीसीसीआई ने गंभीर और कोहली पर बड़ा एक्शन लिया है, दोनों पर मैच का 100% जुर्माना लगा दिया। इसके अलावा काइल मेयर्स और नवीन पर भी 50% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले जब लखनऊ ने बेंगलोर को उसी के घर में हराया था तब टीम के मेंटोर गौतम गंभीर ने जोशीले अंदाज में जश्न मनाया था और गालियां भी दी थी, तब कोहली ने कुछ नहीं बोला था। लेकिन इसके बाद लखनऊ को हराने के बाद कोहली ने उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। कोहली ने पहले तो लखनऊ के फैंस को चुप रहने को कहा, फिर गंभीर की ओर भी चुप रहने का इशारा किया था, लेकिन ये मामला इतना बड़ा रूप ले लेगा किसी ने सोचा नहीं था। वहीं अब इन दोनों के बीच भिड़ंत का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कोहली और गंभीर में से गलती किसकी थी, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।